जय शिव राय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सौरभ एडिट्स पर। तो दोस्तों, अगर आप बैनर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर किसी भी प्रकार की एडिटिंग करते हो तो आपके लिए हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन से भी पीएनजी फोटो को अपने बॉक्स में कैसे सेट कर सकते हो बॉक्स पीएनजी में। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रुप बैनर डिजाइन करते हैं या फिर ग्रुप वीडियो एडिटिंग करते हैं, बट उन्हें बॉक्स में अच्छी तरीके से पीएनजी में सेट करना नहीं आता और वो फोटो जो है वो अंदर बाहर हो जाता है। तो आखिरकार कैसे आप उसे अच्छी तरीके से एकदम 100% श्योर सेट कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। आपको सिर्फ 2 स्टेप करने होंगे और आपका फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बॉक्स के अंदर सेट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर 50 से ज़्यादा आपको यहाँ पर बॉक्स पीएनजी इमेज प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे बॉक्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई यानी कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉक्स पीएनजी इमेज मैं प्रोवाइड करूँगा। तो वो वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए, आपका भी वक्त ज़्यादा लेते हुए हमारे आज की जो बॉक्स एडिटिंग है हम उस एडिटिंग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना फोटो यहाँ पर बॉक्स में सेट करने के लिए बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप यहाँ पर अपना फोटो बॉक्स में सेट कर सकते हो। वो सबसे अच्छा ऐप है एडिटिंग का पिक्सआर्ट, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आपका फोटो भी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो आज की भी हमारी एडिटिंग हम पिक्सआर्ट से करेंगे। तो चलिए हम चले करते हैं पिक्सआर्ट ऐप को ओपन। दोस्तों, अगर आपके पास पिक्सआर्ट ऐप नहीं है तो उसकी डाउनलोडिंग मैंने नीचे प्रोवाइड कर दी है, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके इस पिक्सआर्ट ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी और पिक्सआर्ट के बहुत सारे फंक्शन भी ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट बैकग्राउंड है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पीएनजी टाइप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो इस टाइप से आपको बैकग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, आपको सिंपली यहाँ पर हमारी जो भी बॉक्स पीएनजी में है उसे ऐड कर लेना है। तो ऐड कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने सामने यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपके बहुत सारे फोटो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपकी पीएनजी इमेज बॉक्स पीएनजी इमेज जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर चलिए हम करते हैं उसे ओपन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स पीएनजी इमेज आपको दिख रहे होंगे। तो इस पर हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, मैं आपको उस वीडियो में सारे बॉक्स इमेज में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई यहाँ पर इस वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप सारे यहाँ पर बॉक्स पी एन जी में डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पर डेमो के लिए एक बॉक्स पी एन जी में सेट कर लेंगे। दोस्तों, इस बॉक्स पी एन जी में डाउनलोडिंग मैंने आपको नीचे रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिए, सिंपली आप उसको क्लिक करके इस बॉक्स पी एन जी में को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप, आपको सिंपली यहाँ पर अपना फोटो जिस भी फोटो को आपको यहाँ पर बॉक्स में सेट करना होगा उसे सेट यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फोटो का, उस पर आपको क्लिक करके आपके सामने आपकी गैलरी फिर से एक बार ओपन हो जाएगी। सिंपली आपको अपना फोटो जिस भी फोल्डर में है उस फोल्डर पे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर चलिए हम करते उस फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट। ओके, तो मान लीजिए हमने ये फोटो सिलेक्ट कर दिया, ये भी कर दिया और ऑब्वियसली इसे एक ले लेते। तो 3 फोटो हमने यहाँ पर सेट करेंगे इसे और 4। ओके, ऐड फोटो पर क्लिक करके आपको ये 4 फोटो यहाँ पर ऐड कर लेने, और मैं आपको यहाँ पर इसी तरीके से बताऊँगा कि आपको इन्हें कैसे सेट कर लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस फोटो को यहाँ पर सेट कर लेंगे। सिंपली आपको उस फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली आपको इसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंड का, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर फिर से एक बार आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, नॉर्मल, स्क्रीन, मल्टीप्लाई, डार्कन, तो बहुत सारे तो आपको सिंपली यहाँ पर कौन सा इफेक्ट यहाँ पर सेट कर लेना है। तो 3rd नंबर का ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो को अपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि फोटो हमारे तो यहाँ पर गायब हो चुके। तो गायब नहीं हुई फोटो, हम जब भी यहाँ पर बॉक्स में आ जाएंगे तो आपको फोटो अपनी दिखाई देगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी फोटो को यहाँ पर सेट कर लेना है। तो फोटो हम थोड़ी सी क्रॉप कर लेंगे, फोटो पर क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से एक बार फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लाइंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉप का। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके आपको फोटो को अच्छे तरीके से क्रॉप कर लेना है, जितनी आप यहाँ पर बॉक्स में सेट करना चाहते हो उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्रॉप कर लेना है इस तरीके से। और राइट पर क्लिक करेंगे और फोटो को यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, जूम करेंगे। ओके, इस टाइप से। दोस्तों, आपको अपनी फोटो सिर्फ बॉक्स में दिखाई देगी, बाहर यहाँ पर फोटो दिखाई नहीं देगी। तो यही ट्रिक थी, आपको सिंपली यहाँ पर फोटो पर क्लिक करके
यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर ब्लिन कास्ट में क्लिक करके आपको थर्ड नंबर का जो इफेक्ट है मल्टीप्लाई का, उस पर क्लिक करके आपको फोटो को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है और सिंपली हमारे बॉक्स में यहाँ पर ले जाना है। फोटो को क्रॉप कर लेना है, आप जितना चाहते हो उतना रख सकते हो। राइट पर क्लिक करेंगे और फोटो को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। तो जूम करेंगे फिर से एक बार, तो दोस्तों आपको इस टाइप से अपनी फ़ोटो यहाँ पर सेट कर लेनी। ओके सॉरी। तो दोस्तों अगर आपकी फ़ोटो यहाँ पर दूसरे फोटो में यहाँ पर बॉक्स पेज में जा रही हो, सिंपली आपको यहाँ पर ऊपर इरेज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करके, इरेज पर क्लिक करके आपको सिंपली उस पर डबल टैप करके यहाँ पर हार्डनेस आपको 100% कर लेनी है। साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हो और सिंपली इसे जूम कर लेंगे और आप इसे इरेज भी कर सकते हो और इस टाइप से भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। बट वो ट्रिक अच्छी है, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अपना फ़ोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पर फोटो को यहाँ पर सेट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सारे फ़ोटो यहाँ पर सेट करने होंगे और आप किसी बॉक्स में यहाँ पर सेट कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आपको सिंपली यहाँ पर ब्लिन कास्ट पर क्लिक करके यहाँ पर ओवरले इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर देना है और आप इस टाइप से अपना फ़ोटो यहाँ पर सेट कर सकते हो। दोस्तों हमारे यहाँ पर सारे फ़ोटो यहाँ पर बॉक्स में सेट हो चुके हैं। सिंपली हम इसे करते हैं सेव और आप इसे कहीं भी अपने बैनर पर या फिर अपने वीडियो में यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेव एज में पर क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना है। दोस्तों आप इस टाइप से अपने फोटो को यहाँ पर बॉक्स में सेट करके किसी भी वीडियो या फिर किसी भी ग्रुप बैनर में सेट कर सकते हो और अपना बैनर यहाँ पर अट्रैक्टिव कर सकते हो। दोस्तों कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वाकई में अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने मेरे लास्ट तक देखा इसलिए बहुत ही बड़ा थैंक्स फॉर वॉचिंग।